औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास बीए पार्ट वन पोएम हावक्स मोनोलॉग, यानी कि एक अकाब की जो है वो खुद कलामी। इस पोएम की आज हम जो है वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन को रीड आउट करेंगे। तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। टेड हॉग्स इज़ अ ब्रिटिश एक ब्रिटिश पोइट शायर ऑफ ग्रेट पोइटिक एक्सीलेंस, जिसमें जो है वो उसे बतरी हासिल है शायराना तौर पर। हिज पोइट्री, इसकी शायरी इज़ अ स्टडी मुताला ऑफ ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत का। इन इट्स वारियस फॉर्म, मुख्तलिफ जो है वो अशकाल में डेथ, मौत, तबाही, तशद्दुद और जो है वो बर्बरियत आदा बेसिक बुनियादी थीम्स हैं, मौजूआत हैं ऑफ हिज पोएम, इसकी जो है वो नज़म के। हॉग्स मोनोलॉग जो है वो वाजह करता है द फैक्ट, हकीकत, दैट द हैबिट, आदत, एक जो है वो लूटने की या गारत गरी की एंड परिशकार की, कंटेन मुशमल है द सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इन इट, इसके अंदर तबाही की। द आल पावरफुल, तमाम ताकतवर ऑफ टेन फॉरगेट दैट देयर पावर, भूल जाते हैं कि दैट देयर पावर मे बी कम द कॉज, के इनकी जो है वो ताकत वजह बनेंगी ऑफ देयर डाउनफॉल, इनके तनज्जल की। द पोएम इज़ रिटन, लिखी है इन द फॉर्म ऑफ अ मोनोलॉग, एक खुद कलामी में। एक जो मोनोलॉग इज़ अ स्पीच, तकरीर होती है डिलीवर बाई द मेन करेक्टर ऑफ द पोएम, जो होता है मेन करदार पोएम का। द पोएट एंड अदर करेक्टर, दूसरे करदार में रहते हैं इन द बैकग्राउंड, इसके पीछे। दिस पोएम नज़म में द हॉक अकाब इज़ द मेन करेक्टर, करदार है हु बोर्स, जो शोखी मारता है ऑफ जो है वो अपनी बर्तरी का। ओवर ऑल द क्रीचर, तमाम मखलूक जो अल्लाह ने पैदा की। एक अकाब बैठा हुआ है ऑन द टॉप शाख के ऊपर दरख्त की, ही आइस की आंखें जो है वो बंद हैं। ही इज़ पावर, वो नशे की हालत में गर्क है। ही सिटिंग, वो बैठा हुआ है फालतू। बट ही क्लेम दैट द, लेकिन वो कहता है कि मैं जानता हूँ अपने अमल को बहुत अच्छे तरीके से। ही इज़ हुक्ड, इसके मुड़े हुआ जो है वो सार, एंड हुक्ड फीड, उसके मुड़े हुए पाँव। नेवर फॉरगेट, नहीं भूलते, नहीं छोड़ते अपने शिकार को। इवन वैन दे आर, जब वो होते हैं इनएक्टिव, इनएक्टिव यानी कि इनएक्टिव भी होते हैं ना, तो फिर भी वो शिकार को पकड़ लेते हैं, इतने ताकतवर उसके पंजे हैं। दे कैन हंट, शिकार कर सकते हैं, किल, कत्ल कर सकते हैं, एंड ईट इन स्लीप आल्सो, और नींद के अंदर भी जो है वो मैं उससे जो है वो शिकार करके खा सकता हूँ। द हॉक क्लेम कहता है दैट ही सफर, मतलब फ्रॉम नो डिल्यूजन फ्रेम के अंदर ओ पावर, पावर की। ही सिटिंग, बैठा हुआ ने ट्री दख्त के अंदर, दख्त के ऊपर जो सबसे ऊपर है। देन अदर बर्ड, दूसरे परिंदों के। दिस इज़ द पोजिशन, हालत है ऑफ एडवांटेज, फ़ायदे की, एंड जो है वो इससे बर्तरी की। ही सीज, वो लेता है द सन, सूरज की जो अशाओं को, एंड प्लेजिंग अफेक्ट ऑफ द एयर, और जो है वो फ़ा के जो है वो अच्छे असरात को, टू अदर क्रिएशन, दूसरी मखलूक के लिए ऑफ गॉड, अल्लाह की। द अर्थ टू राइज, अब ज़मीन भी है उसके लिए बुलंद, यानी कि ज़मीन ने अपना चेहरा खोला हुआ है उसकी जानब इस्तेमाल करने के लिए। हिज फीट, इसके पाँव जो है वो फर्मली, मजबूती के साथ ग्रिप हैं द ब्रांच शाख ऑफ ट्री, दख्त की। ही बोस, वो शेखी मारता है दैट ही इज़ द क्राउन ऑफ ऑल क्रीचर, के वो तमाम जो है वो मखलूकात में सबसे अफजल है। हीज ईच फूट एंड ईच फीदर इज़ फैशन, उसको बनाया गया है बाई गॉड विद एक जो है वो एक्सट्रीम केयर एंड ब्यूटी, बड़ी जो है वो पुरमता तरीके के साथ, खूबसूरत तरीके के साथ। आई थिंक 150 वर्ड्स जो है वो हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है वो नेक्स्ट जो है वो दिखा देता हूँ क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा करना चाहता हो तो वो कर ले, ठीक है। और यहाँ से मैंने आपको ये सारा पेज जो है वो रीड आउट करवा दिया है, इंशाल्लाह जवाब तो आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बेटा अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।